नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं तन्वी सिंह। सेना के रिटायर्ड ड्राइवर्स अब संभालेंगे यूपी रोडवेज की कमान। जी हां, हाल ही परिवहन निगम मुख्यालय ने यह फैसला सुनाया है। ये 3 महीने का पायलट प्रोजेक्ट है जो पहले लखनऊ, गाजियाबाद, गोरखपुर और आगरा में लागू किया जाएगा। इसमें 5 गाड़ियां प्रति डिस्ट्रिक्ट और 2-2 ड्राइवर्स प्रति गाड़ी निर्धारित किए जाएंगे। इसके बाद इस पायलट प्रोजेक्ट को वाराणसी, प्रयागराज, आजमगढ़ और विंध्याचल में भी लागू किया जाएगा। दरअसल सरकार के मुताबिक लगातार बढ़ रहे रोड एक्सीडेंट्स का कारण अनट्रेन ड्राइवर्स हैं, इसीलिए सरकार ने ये पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया। हालांकि ये रोड एक्सीडेंट्स की बेहतरी के लिए ये पायलट प्रोजेक्ट एक अच्छा फैसला है, लेकिन अगर सरकार देश में ड्राइवर्स की कमी को मद्देनजर रखते ड्राइविंग स्कूल्स का प्रबंध करती तो शायद ज़्यादा बेहतर होता। आखिर जो आर्मी के एक्सपर्ट ड्राइवर्स हैं उन्हें भी आर्मी ने ट्रेन करके एक्सपर्ट बनाया है, तो अगर हम उन एक्सपर्ट ड्राइवर्स को अपने ट्रेनिंग स्कूल्स में लेकर आएं ताकि वो दूसरे ड्राइवर्स को भी ट्रेन कर सकें, तो इससे ना तो देश में ड्राइवर्स की कमी होगी, आर्मी के रिटायर्ड ड्राइवर्स को भी नौकरी मिलेगी, और साथ ही साथ अगर रोड एक्सीडेंट्स के बढ़ने का कारण अनट्रेन ड्राइवर्स हैं तो ज़रूर रोड एक्सीडेंट के केसेस में भी गिरावट आएगी। बड़ा सवाल ये है कि आखिर किस आधार पे सरकार एक ड्राइवर को ट्रेन या अनट्रेन मान रही है। बस, ट्रक जैसे बाहरी वाहन चलाने के लिए जो हैवी लाइसेंस दिया जाता है, यानी एक ड्राइवर को HMV लाइसेंस देने से पहले सरकार खुद एक ड्राइविंग टेस्ट लेती है। अब जब एक अनट्रेन ड्राइवर के हाथ में हैवी लाइसेंस मिल रहा है तो या तो सरकार भ्रष्ट है या फिर कोई ना कोई कमी सरकार के ही सिस्टम में है। कई केसेस ऐसे भी सामने आते हैं जहां ड्राइवर को अच्छा ड्राइविंग एक्सपीरियंस होता है, ड्राइविंग स्किल्स भी होती हैं, लेकिन जब वो हैवी लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है तो या तो उससे 40-50 हज़ार रुपये मांगे जाते हैं या फिर कोई ना कोई बहाना दे के उसे हैवी लाइसेंस नहीं दिया जाता। इसके अलावा भी कई ऐसी सरकारी कमियाँ हैं जिनके चलते रोड एक्सीडेंट्स होते हैं। सरकारी वाहनों की सर्विस केवल इमरजेंसीज में होती है, यानी तब जब हालात एकदम बिगड़ जाते हैं। इसके अलावा नेशनल हाईवेज जैसी सड़कें भी गड्ढों से भरी हुई हैं। अब जब सड़कें गड्ढों से भरी हैं, वाहनों की सर्विस नहीं हो रही है, तो भला हम एक ड्राइवर से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो एक्सीडेंट बचाए और अच्छी ड्राइविंग करे। हर एक देश की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी ट्रांसपोर्ट सेक्टर होता है। भारत एक ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज ट्रांसपोर्ट सेक्टर को ही करता है। ढाबा एकमात्र ऐसी जगह है जहां ड्राइवर्स रुक के आराम कर सकते हैं। रेस्टरूम्स तो दूर की बात है, नेशनल हाईवेज पर भी शौचालय का कोई प्रबंध नहीं है। आखिर कब तक सरकार यूं ही अपनी कमियों पर पर्दा डालती रहेगी और सारा इंजाम ड्राइवर्स के माथे मरती रहेगी। हालांकि ये पायलट प्रोजेक्ट एक बेहतर फैसला है, लेकिन उम्मीद है कि सरकार जल्दी अपनी और कमियों पर भी काम करना चालू करेगी। अभी भारतीय ड्राइवर्स की ज़िंदगी में सुधार होने का दूर दूर तक कोई नामोनिशान नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। ट्रांसपोर्ट टीवी को YouTube पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। Facebook पर लाइक करें हमारा पेज और Twitter पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।